हेलो बच्चों, हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम। नमस्कार बच्चों, गुड आफ्टरनून, सब लोग कैसे हैं आप? प्यारे बच्चों, एक बार कंफर्म कर दो, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? बेटा हम एकदम ठीक ठाक, बिल्कुल बढ़िया, सब फाइन, सुपर फाइन। तबीयत एकदम ठीक ठाक, सब फाइन। वैक्सीनेशन हमने करवा लिया है भाई, तो वैक्सीन जरूर लगवाएं। ओके, हाँ भाई स्काई, बोलो क्या कहना चाहते हो। है बेटा दोपहर 12 बजे का, मैं आपके साथ लाइव लेकर आ चुका हूं फिर से एक कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का प्रीवियस ईयर का पेपर। हाँ, सारे सवाल ट्राई रीजनिंग पोल के लिए। पहला सवाल दोस्तों बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल दिया गया, आसान सा क्वेश्चन है, वेरी इजी। सवाल नंबर एक दोस्तों नंबर सीरीज का आया, काफी इजी टॉपिक, काफी इजी प्रश्न। बेटा सब फाइन है, थोड़ा सा इस बाजू में दर्द है, आप देख पाएंगे बच्चों, देखो वैक्सीन लगती है, बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन। बेटा वैक्सीन के बाद सब अच्छा है, बेटा सब फाइन है, थोड़ा सा इस बाजू में दर्द है जहां पे वैक्सीन लगती है, बाकी किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई फीवर नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ बेटा कोवैक्सीन लगी, आप देख पाएंगे बच्चों। एक 19 का मैं ऐसा, बेटा इस बारे में कोई आइडिया नहीं है, बच्चे पूछ रहे हैं सीजीएल का पेपर कब होगा। देखो भैया ये तो चीजें थोड़ी जब मार्केट में ठीक हो जाएंगी बेटा, ये कोविड का डर लोगों के मन से निकल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा बेटा, तो एग्जाम भी होंगे आपके एकदम डिफरेंट। तीन तो सवाल नंबर 3 मिरर इमेज का दोस्तों सवाल दिया गया, मिरर इमेज का। आपने इस आकृति के राइट साइड में मिरर रखा है दोस्तों, आपने आकृति के राइट साइड मिरर रखा है और ऑप्शंस पे एक नजर मारते ही आपको उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शंस को एक बार देखते ही उत्तर मिल जाएगा। लेफ्ट और क्या बात है, लेफ्ट है कंबाइंड। तो बेटा लाइन था दोस्तों, फ्रॉक और मुंह रंभाना, मिमियाहट भौंकना, फ्रॉक और रंभाना, दोस्तों 4 में से 3 बातें एक जैसी हैं, चौथा आपको अलग, बाकी 3 चीज को अलग। लेकिन अफसोस तब होता है जब पेपर में ऐसे क्वेश्चन भी लोग गलत कर जाते हैं, तब बड़ी दुख की बात फील होती है। मेरे को लगता है इसको ये भी क्या नाम की सेवा तेज किए थे, 161 बदल जाएगा, आइडिया ही नहीं पड़ेगा कहां पहुंच चुके हो, दुनिया भर में एग्जिस्ट कहां से कहां हो गए। दोस्तों इस सवाल को आपने 45 सेकंड में करना है और देखो थोड़ा सा मामला बदल गया, जज्बात बदल गए, कहानी बदल गई। और 3, 4 से कटी और सी देगा, इससे आसान सवाल ट्रायंगल काउंट करने का पेपर में नहीं आ सकता। एसएससी वाले भी गजब काम करते हैं, कोई कोई शिफ्ट इतनी इजी बना देते हैं कि सारे बच्चे सारे सवाल कर लेते हैं, कोई कोई शिफ्ट ऐसी बनाते हैं कि मतलब कोई कहानी समझ में नहीं आती, क्या करें क्या नहीं करें। तो किसी पेपर में होंगे 2 ट्राई करेक्ट आंसर बचा इसी मंथ में, तो पार्ट 3 को स्टार्टिंग से पढ़ना, पहली क्लास में आपको काउंटिंग और फिगर ही पढ़ाया जाएगा पूरा। बिना मतलब आकृति में कंफ्यूज करने की कोशिश की है, जबकि दोस्तों इस आकृति में कंफ्यूजन 1% का भी नहीं है। बिना मतलब ही आपको परेशान करने का इन्होंने सोचा, जबकि एक्चुअल में अगर देखोगे बेटा ग्राउंड पे तो सवाल में दूर दूर तक का कोई डाउट नहीं होगा। फिर ये इस गलत 3 उत्तर तैयार, कल
अपन पढ़ेंगे एलजेब्रा में x प्लस एक बटा x की थ्योरी पूरी, x प्लस एक बटा x का पूरा गेम समझेंगे, लेकिन उससे पहले बेटा ये जरूरी है सारे सारे कमांड अपने जो बालक पढ़ रहे बेटा मैं उनको बता दूं। आप जहां फ्रीक्वेंसी अपनी मैच करवा चुके हैं वहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो प्लेटफॉर्म पे बेटा फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई भाग 10 से अपने अंडरस्टैंड में एज ब्लड इज रिलेटेड टू, कितना टफ सवाल आया ना दोस्तों, कितना टफ सवाल आया। ओहो हो बच्ची रेड तक 10 के देव स्नेहा का भाई है और मयंक का बेटा है, स्वाति स्नेहा की बहन है, तो मयंक स्वाति से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज मयंक रिलेटेड टू स्वाति। दो क्वेश्चन ही काफी होते हैं कहानी को पलटने के लिए। स्काई सैनी तुम दुनिया के बड़े मजे लेते हो, हैं रीजनिंग ऐसे चुटकियों में उड़ाने लग गए तुम आजकल। देव स्नेहा का भाई है, देव जैसे बड़ा देव नाम पढ़ते हैं आपके दिमाग में क्या, स्वाति स्वाति मैं स्वाति के पिता हैं, बस इतनी सी बात। देव और अंजलि तुम मुझे भूल जाओ, नहीं मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा अंजलि। ये डायलॉग सबको याद होगा। ऑप्शन में केवल फादर था मदर नहीं। बिना मतलब पढ़ा रहा हूं कोई फर्क है, पूछ लीजिए ज्ञान है। जाति से कोई फर्क पड़ता नहीं ना बच्चे, नहीं भैया प्रियंका केडी में नहीं पढ़ाते भैया, केडी पर हम सब छोड़ चुके हैं, जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर है मौज हो गई, मौज ही मौज। तो डाइस के सवाल करने में टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा, डाइस का सवाल तो हर एक बालक बहुत इजीली कर सकता है। एक सरफेस कॉमन मिल जाए या दो सरफेस कॉमन मिल जाए बस इतनी सी बात सफिशिएंट है। जहां एक सामने सामने ग्लूकोज को यह लिखा जाता है तो सुक्रोस को क्या लिखा जाएगा बताओ भैया सुक्रोस। इस सवाल के बाद में बारी है पोल देने की, ओ रिजल्ट देखने की, वो देखेंगे बेटा अपन। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूं एक मिनट का, आराम आराम से करो कोई जल्दबाजी नहीं है। दोस्तों इस स्पेशल क्लास का जो लिंक मिलता है बेटा इसको आप अपने मित्रों में भी शेयर कर दिया करो अधिक से अधिक बच्चों में, ताकि और भी बच्चे इस क्लास को पढ़ पाए रेगुलर बेस पे, रीजनिंग सबकी इंप्रूव हो जाए। जी एल यू सी ओ एस ई ग्लूकोज का दोस्तों मतलब होता है डी जे टी सी पी यू एच। हमसे पूछेंगे सुक्रोस का कोड क्या है, एस यू सी आर ओ एस ई, आखिरी के अक्षर तो सारे सेम ही है, ये माइनस तीन किया हुआ है माइनस पी बने 15 के 45 नंबर पे मजा आएगी जानकारी।
जो हमारे से अधिक मैच में लेते हो देंगे मैं तो इस ऑफर में भी और तीन टेस्ट हो आप साय प्रकार और ये शानदार बॉल कई खिलाड़ी पहुंच चुके हैं स्टेडियम के बाहर बड़ा इतरा रहे थे ना सर 56 रैंक तक सारे सही हैं 50 रैंक तक सारे सही हैं अब क्या हो गया प्यारे बच्चों इस सवाल का सिंपल सा गेम था अभी रुक जाओ बाद में बताऊंगा वो यूज कर रहे हैं तो मैं मतलब चार कि वो आंखें ठीक से खुलती हैं है भाई पिता की उम्र बेटे की उम्र से तीन गुना थी अब बेटे की उम्र कितनी है भैया आज बेटा है 10 साल का पापा जी हैं 20 साल के 5 साल पहले ये था 5 साल का और ये था 15 साल का तो बेटा आज की डेट में 10 साल का है ये मैंने आपको एज टॉपिक में करवाया था आपको याद होगा बहुत ही आसान सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कोई टिपिकल वाली बात नहीं है होगा बहुत ही आसान सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है आपको भैया आज बेटा है 10 साल का पापा जी हैं 20 साल के 5 साल पहले ये था 5 साल का और ये था 15 साल का तो बेटा आज की डेट में 10 साल का है ये मैंने आपको एज टॉपिक में करवाया था आपको याद होगा बहुत ही आसान सा बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है कोई टिपिकल वाली बात नहीं है अलग संख्याओं के बीच भी क्लास आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है बस थोड़ा सा बाजू में दर्द होता है बाकी सब फाइन है मैडम यहां लगी थी वैक्सीन ये मार्कर कहां होता है पता ही नहीं चलता यार कृष्णा अरे ये सवाल तो इतना इजी है
भैया कल हमारे लगी थी कोवैक्सीन, कोवैक्सीन की डोज लगी थी पहली। जीवन अंडे से स्टार्ट होकर मृत्यु पे खत्म हो जाता है बेटा, मृत्यु के बाद कुछ होता नहीं है। पेपर वालों को खत्म, बात सही। लेफ्ट और राइट, ऊपर और नीचे, दाया और बाया, चार में से तीन बातों को किसी प्रकार से सेम कर लीजिएगा ना। मैंने कहा एंटर दीजिए, स्काई तुम दिल्ली में कहां रहते हो? स्काई सनी दिल्ली में कहां रहते हो? द्वारका। बारह, अच्छा इसमें आप कुछ मत करो बेटा, अपोजिट लेटर देख लोगे, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ई वी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन, दीज आर 13 अपोजिट लेटर पेयर। ये आपने देखा एल और ओ अपोजिट, एन और एम अपोजिट, सी एक्स ई वी अपोजिट, पी के आर आई अपोजिट, और चार नंबर का पॉइंट इससे अलग बन गया। मैं एक गन ऑर्डर कर रहा हूं उसका, तुम्हारे यहां से जो मेरे हनुमानगढ़ से तुम्हारे द्वारका तक मार मारेगी सीधी। तो मैं हर क्वेश्चन पे लगता है ना कि गलत कर रहा हूं, एक गन मैं इसीलिए ऑर्डर कर रहा हूं, उसको बताऊंगा भैया कि मुझे कोई ऐसी गन चाहिए जो मेरे हनुमानगढ़ से दिल्ली में द्वारका तक सीधी मार मार पाए, फिर देखना। तो ऑल कॉक्स आर बियर्स, ऑल बियर्स आर हॉर्स, सम बियर्स आर कॉक्स, सम हॉर्स आर कॉक्स, ऑल कॉक्स आर हॉर्स, देखते हैं क्या बात बनती है। कुमार सवाल कभी आता ही नहीं है, सारे बालक इन चीजों को प्यार सा कर बैठे हैं, उनको डर लगता ही नहीं बेटा। इजी भैया आपके लिए है, बच्चे कहते हैं ये इजी, इजी तो भैया आपके लिए है। स्क्वायर प्रकार, क्या सांप एक उभयचर है, क्या स्पाइडर एक रेप्टाइल है, क्या शार्क एक मैमल है, क्या स्नेल एक मोलस्क है? अब ये साइंस बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, ये छोटी सी बात आपको पता होनी चाहिए, ये रीजनिंग का सवाल नहीं है बच्चों, ये साइंस का सवाल है। किए हैं तो बहुत बहुत बेटा गलत बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। 25 के 25 सवाल सही किए, टॉप 10 बच्चों ने, शानदार। सुशांत, अभिषेक, कुशल, विकास, विश्वजीत, प्रियांश, शुभम, ज्योति सिंह, दीपक और आरती मीना, बच्चों बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो बच्चों इसके बाद अपनी आज शाम को 4 बजे क्लास आएगी जहां पे रीजनिंग का टॉपिक पढ़ेंगे, और दोस्तों कल टुमारो सुबह 10 बजे एलजेब्रा की क्लास होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा जितने बच्चे एलजेब्रा पढ़ रहे हैं उस कोर्स को बेटा रेटिंग जरूर दीजिएगा, उस कोर्स को बेटा रेटिंग कर दीजिएगा ताकि हम आपका प्यार देख पाए, आपकी मोहब्बत देख पाए बच्चों, ठीक है जी। चलो शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।